कोविड-19 संक्रमण और लॉकडाउन के बाद वापस घर लौटे जौनपुर ब्लॉक के आबली गांव के युवा प्रवासियों ने इन दिनों स्वरोजगार की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए क्षेत्र में मिसाल पेश की। जौनपुर क्षेत्र के इस धनौल्टी जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत बेहतरीन शुरुआत हमारे इन युवाओं ने करी है जो पोल्ट्री फार्म हाउस शुरू करने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर अभी तक उन्होंने कोई भी सहायता सरकार की तरफ से नहीं ली है, अपने ही बलबूते कर रहे हैं। तो एक बहुत बढ़िया संदेश है समाज के लिए भी कि हम स्वरोजगार अपने बलबूते कर सकते हैं, सिर्फ सरकार की ओर निगाहें देखने से काम नहीं चलने वाला है, आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। और कब तक नौकरी पेशा और इन होटलों पर हमें डिपेंड रहना होगा। आपको बता दें कि आबली गांव के ये तीन युवा दिग्वीर पुंडीर, नरेश पुंडीर, सुनील पुंडीर, जो रोजगार को पाने के लिए बाहर शहरों में होटलों में नौकरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद वे वापस अपने गांव आबली पहुंचे और गांव में ही स्वरोजगार करने की ठानी। और तीनों युवाओं ने पोल्ट्री हाउस खोलने की सोची और आबली गांव में इसकी शुरुआत की। जहां सरकार आज स्वरोजगार को बढ़ावा देने का काम कर रही है, वहीं ये तीन युवा स्वयं के प्रयास से क्षेत्र के युवाओं और बाहर से वापस गांव लौटे प्रवासियों के लिए स्वरोजगार अपनाने की प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। सर, हम लोग आज से पहले बाहर ही रहे तो बाहर ही करा, अभी ये लॉकडाउन की वजह से, ये बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से हम सारे हमारे गाँव के आधे से ज्यादा लोग वापस आ चुके हैं। अभी इतना टाइम हो गया कोरोना को, कम से कम 3-4 महीने चल पड़े हैं, अभी पता नहीं ये बीमारी कितने आगे तक रहेगी। अब हम लोग घर आए, मिले एक दूसरे को, तो हमने एक निर्णय लिया कि चलो अपना काम खुद करते हैं, हम दूसरों की नौकरी तो कर ही रहे हैं, अपनी ज़मीन पे कुछ बनाते हैं, अपनी ज़मीन से शुरुआत करते हैं, खुद स्वरोजगार करते हैं और अपने साथ वालों को भी रोजगार देते हैं, ये सोच के ही हमने ये काम शुरू करा और आज हमने ये काम खत्म भी कर दिया। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप, गूगल प्ले पर उपलब्ध।